बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है। जेडीयू के दिग्गज उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को सख्त संदेश दिया है। हालांकि बीजेपी के नाम का जिक्र नहीं किया गया और कहा गया कि एनडीए इज नीतीश कुमार, नीतीश कुमार इज एनडीए। पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता के मन में गलत फहमी है तो इसे दूर कर ले। सीधी बात है कि जब से एनडीए की शुरुआत हुई है तब से बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है और हमेशा रहेंगे। दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इसके बाद बीजेपी दिग्गज धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम से मुलाकात की, साफ किया कि बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से तो लगता है कि अब वो बयान देकर बीजेपी नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई हो या कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मन में, नेता के मन में अगर गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को निकाल देना चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा थे जब से एनडीए की शुरुआत बिहार में हुई, आज भी हैं और जब तक आगे एनडीए को रहना है तब तक नीतीश कुमार ही इसके चेहरा बिहार में रहेंगे। अब इस गलत फहमी में कोई व्यक्ति जीता है तो उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहे, और ऐसी बात करने से कार्यकर्ताओं में गलतफहमी होती है तो उस गलतफहमी को पैदा करने से भी बचे। सीधी बात है, एनडीए इज नीतीश कुमार, नीतीश कुमार इज एनडीए इन बिहार। जेडीयू ने नीतीश इज एनडीए क्या कहा, बीजेपी के प्रवक्ता भी हां हां मिला रहे हैं। तो आरजेडी ने कहा कि एनडीए पर तंज कसते हुए सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों एक साथ बैठे हैं। हम तो पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में हम चुनाव लड़े हैं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का झंडा गाड़े हुए हैं, और हम नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री मान करके, नेता मान करके हम चुनाव भी लड़े और उनको ही अपना नेता घोषित किए हुए हैं। मैं बधाई देता हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी को कि उन्होंने भी उन नेता मान लिया कि एनडीए के एकमात्र चेहरा, एकमात्र नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को नेता मानने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीजेपी जेडीयू में जिस तरह से तल्खी बढ़ी है ये स्पष्ट बयानों से दिख रहा है। दोनों पार्टी के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है ये बयानों से ही पता चलता है। अब सत्ता में बैठे लोग ही आपस में लड़ रहे हैं लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए एक हैं। जनता की भलाई की चिंता बीजेपी जेडीयू को नहीं है। अब बिहार की जनता पाई पाई के हिसाब इनसे लेगी। बिहार विधानसभा का शताब्दी